हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग क्या करेंगे, कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे। और किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो फाइंड आउट द कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द गिवन डेटा। तो आपको डेटा दे रखा है एक्स और वाई, एक्स और वाई का कुछ वैल्यू दे रखा है 25, 60, 40, 20, 20 एंड वाई का वैल्यू दिया है 10, 30, 12, 2 एंड 1। ये तो आपका डेटा है। अब इस डेटा को यूज़ कर करके बहुत इजीली तरीके से हम लोग क्या करें, आज कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे। आपको जनरली बुक में काफ़ी हार्ड ट्रिक से मेथड से यूज़ करके वो फाइंड आउट करेंगे आज, जो आप भूल सकते हैं, बट यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी मेथड का यूज़ करेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग आज सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, एक्स का स्क्वायर करना है। तो एक्स का स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे हम, सिर्फ 25 दिया हुआ है इसका वैल्यू, तो 25 का स्क्वायर 625, 60 का स्क्वायर 3600, 40 का स्क्वायर 1600, 20 का स्क्वायर 420 का फिर से स्क्वायर 400। इनका जब समेशन करते हैं, सबका सम करते हैं, तो 6625 आता है। सेम ऑन जब डेटा हमारा वाई का भी दिया हुआ है, तो वाई का भी हम यूज़ करते हैं और इसका वाई स्क्वायर निकालते हैं। तो वाई स्क्वायर निकालने के लिए फिर हमको क्या करना था, मल्टीप्लाई करना, स्क्वायर करना होगा 10 का। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100, 30 का 900, 12 का 144, 2 का 4 एंड 1 के 1। तो अब इसका भी हमें समेशन करना है, तो समेशन करने के लिए क्या करेंगे, सबका सम करते हैं। सबका जब सम मैंने किया है, तो 900 प्लस 100, 1000, 1144, फिर इधर 9, तो 1149 आपका आ गया। आफ्टर देन वो क्या करना है, ये जो एक्स वाई जो दिया हुआ है हमें, इसका मल्टीप्लाई करना है, एक्स इंटू वाई करना है। तो 25 इंटू 10 हम करेंगे तो क्या आएगा, 250 जो हमने यहाँ लिखाया है, 60 गुना 30 1800, 40 गुना 12 4880, 20 गुने 2 40 एंड 20 गुने 1 इज 20। तो इस तरह से आपका हम एक्स इंटू वाई निकाले। अब एक्स इंटू वाई जब आ गया, तो हमें क्या करना है, इसका समेशन करना है, सम करना है। तो जब मैं इसको सम कर रही हूँ, सबका ऐड करने के बाद मेरा आता है 2590, ये आ गया। जब ये आ गया, उसके बाद हमें फार्मूला अप्लाई करना है। तो हम कोफिशियंट को शॉर्ट फॉर्म में इसका लिखते हैं, स्मॉल आर से इसको डिनोट करते हैं। एंड इसका फार्मूला होता है, समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई अपॉन में रूट ओवर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। ये ऐसा फार्मूला होता है जो आपको सबको ध्यान में रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब क्या, जब हमें सबका वैल्यू पता है, तो वैल्यू आप पुट करेंगे, तो एक्स इंटू वाई का वैल्यू है 2590 रूट ओवर, जब हम इसका करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर 6625 एंड इसका है 1149 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई जब मैं कर रही हूँ, तो मेरा कुछ आंसर इस तरह से 7612125 ये आया। इसका जब मैं रूट ओवर फाइंड आउट करती हूँ, तो 2759 आया, 72759 आ रहा है। तो 2759, तो इसका हमें रूट ओवर जब हटाने के बाद ये वैल्यू हमारा आया है। बट अबव में इसका न्यूमरेटर में क्या वैल्यू है, 2590 है। तो 2759 को हम क्या करेंगे, 2590 को 2759 से डिवाइड करेंगे। जब मैं डिवाइड करती हूँ, तो क्या आता है हमारे, हमारा वैल्यू 0.93, यही हमारा कोफिशियंट है इस गिवन डेटा का। तो क्या है कि आपको ये फार्मूला बस ध्यान में रखिए, और आप बहुत इजीली आपका इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।